नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग इश्यूज पर डिबेट कर रही हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज को जगह नहीं दी है। ह्यूमन सिविलाइजेशन का फ्यूचर क्या होगा, इस इशू पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डिबेट करने को तैयार नहीं है। देखो, IPCC की जो रिपोर्ट हाल ही में आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था, अंटिल अनलेस रेडिकल कोर्स करेक्शन नहीं किया गया तो जल्द ही एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और अर्थ का एक बड़ा हिस्सा ऐसा हो जाएगा जहां पे लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी। और इवन हम नेचुरल रिसोर्सेज को इतनी तेज गति से एक्सप्लोइट कर रहे हैं, उतनी तेज गति से नेचुरल रिसोर्सेज का जो रिफिलमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट है पूरी तरह से अनसस्टेनेबल है। इस सिचुएशन में साइंटिस्ट देखो हमें अभी भी भरोसा दिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट अभी नहीं हुआ है। अभी भी अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का सीवियर इफेक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन पे ना देखने को मिले, तो हमें अर्जेंट एक्शन लेना होगा, लेकिन हमें हमारी छोटी सोच को छोड़ना होगा। अभी देखो, ना सिर्फ इंडिया, वर्ल्ड के जो मेजर कंट्रीज हैं वो क्लाइमेट चेंज को होने से रोकने के लिए फॉल्स सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहे हैं, झूठे सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, इंडिया बार बार इस बात पर फोकस करता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी अब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस है वो हम कम कर रहे हैं। और वर्ल्ड के दूसरे कंट्री भी इसी प्रकार की बात करते हैं, वो कहते हैं हमने पेट्रोल और डीजल का जो इस्तेमाल है वो अब कम कर दिया है, हम बायोगैस से व्हीकल्स चला रहे हैं, CNG से व्हीकल चला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चला रहे हैं, तो इससे क्लाइमेट चेंज जो है वो कम से कम होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस है वो कम से कम होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राइटर ये कहते हैं देखो ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं वो फॉल्स सॉल्यूशन हैं, सिर्फ फ्यूल को चेंज करने से जो अनसस्टेनेबल इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल नहीं होगी, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पर फोकस करने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। हमें किस पर फोकस करना होगा, राइटर के अनुसार हमें फोकस करना होगा लैंड पर। देखो, हमारी गवर्नमेंट इन्वायरमेंट लॉज को डाइल्यूट करती जा रही है ताकि फॉरेस्ट लैंड को आसानी से डाइवर्ट किया जा सके डेवलपमेंट एक्टिविटीज की तरफ, यानी कॉरपोरेट ग्रुप्स को फॉरेस्ट लैंड दिया जा सके। इससे जो लोकल कमिटीज हैं वो डिसएम्पावर हो जाती हैं, और अगर इस चीज का कोई विरोध करता है तो उसको क्रिमिनल ठहरा दिया जाता है। इस महीने देखो, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अमेंडमेंट्स लाने के लिए प्रपोजल रखा गया था, और प्रपोजल के अनुसार अगर ये अमेंडमेंट्स पारित हो जाती हैं तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के पास पावर होगी लोगों को शूट करने की विदाउट एनी लाइबिलिटी। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के पास पावर होगी कि फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं उनको उनकी विल के अगेंस्ट जाकर रिलोकेट किया जाए दूसरी जगह पर। इसके अलावा फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के पास पावर होगी प्राइवेट कंपनीज को फॉरेस्ट हैंडओवर करने की, ताकि वहां पे प्राइवेट कंपनीज एफॉरेस्टेशन कर सकें। और दूसरे, फॉरेस्ट को हड़पने की भी पावर होगी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, ये एक प्रकार से देखो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल तरीका होता है जिसकी सहायता से एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है और रखा जाता है सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में। देखो, नेचर के साथ हम हमारी जो टूटी हुई रिलेशनशिप है उसको फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उस कल्चर को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, उस कल्चर के अगेंस्ट अटैक है ये जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है कि फरवरी में कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन आई, इससे हमारी जो कोस्टल इकोलॉजी है वो और ज़्यादा कमजोर होती है। नई कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन के अनुसार
टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वाटर लाइन के 10 मीटर के अंदर टेम्प्रेरी फैसिलिटीज को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोर्ट्स, रोड्स, ये सब बनाया जा सकता है कहीं भी, सी में, डून्स में और मैनग्रोव्स में, टाइडल मार्सिस में, अगर उन प्रोजेक्ट्स को स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स का दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन देखो, सरकार भी इस बात को रिकॉग्नाइज करती है कि 2100 आने तक जो सी लेवल्स हैं, समुद्र में पानी का जो लेवल है, वो 3.5 इंच से लेकर 34.6 इंच तक बढ़ जाएगा। तो फिर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या औचित्य बनता है? कोस्टल जो इकोलॉजी ऑलरेडी कमजोर है, उसे और ज़्यादा कमजोर करने का क्या फ़ायदा है? देखो, वर्ल्ड को हम गर्म होने से बचा सकते हैं या फिर नहीं बचा सकते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम हमारे लैंड को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। लैंड यूज चेंज को हमें ठीक से हैंडल करने की आवश्यकता है। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, बिल्ड अर्थ इकोनॉमिक्स का हॉलमार्क है पेव्ड सरफेस। पेव्ड सरफेस मतलब रोड्स या फिर पेवमेंट्स। देखो, पुराने समय में आपको पता है पेव्ड सरफेस यानी रोड्स, पेवमेंट्स, फुटपाथ, इन सबकी डेंसिटी काफ़ी कम हुआ करती थी। 1980 में चेन्नई में पेव्ड सरफेस की डेंसिटी थी 47 स्क्वायर पर किलोमीटर, लेकिन 2010 में बढ़ के हो गई 402 स्क्वायर पर किलोमीटर। होता क्या है, पेव्ड सरफेस की वजह से वाटर फ्लो जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो जाता है, रिचार्ज नहीं हो पाता और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। चेन्नई में 2015 में जो फ्लड्स आई, जो बाढ़ आई, उसके पीछे एक बड़ा रीजन जो रिस्पॉन्सिबल है वो यही है, पेव्ड सरफेस की जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। इवन जहाँ पे पहले वेटलैंड हुआ करता था, वेटलैंड की जगह अब पेव्ड सरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो, नीचे आंकड़ा दिया हुआ है, 1980 में वेटलैंड की डेंसिटी थी 187 स्क्वायर पर किलोमीटर, 2010 में जो घट के हो गई 71 स्क्वायर पर किलोमीटर। ना सिर्फ चेन्नई में बल्कि दूसरे हिस्सों में भी अर्बन फ्लडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि पेव्ड सरफेसेस की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुंबई में फ्लड आई, ह्यूस्टन में फ्लड आई, जापान में फ्लड आई, मिसूरी में फ्लड आई, इन सब के पीछे एक मेजर रीजन जो रिस्पॉन्सिबल है वो यही है, पेव्ड सरफेस का होना, यानी लैंड को हमने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज को इस मुद्दे पर एकमत होना चाहिए और मैनिफेस्टो में ये शामिल करना चाहिए कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट पर हम फोकस करेंगे। देखो, एक मेडिवल तमिल वर्ड है प्रोम्बोके। प्रोम्बोके का मतलब ये है कम्युनिटी हेल्ड कॉमन्स। कम्युनिटी हेल्ड कॉमन्स जैसे वाटर बॉडीज, ग्रेजिंग लैंड्स या फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट। प्रोम्बोके लैंड्स को यानी कम्युनिटी हेल्ड कॉमन्स को इस प्रकार से मैनेज किया जाता है ताकि इससे कम्युनिटी को फायदा भी हो, लेकिन जो रिसोर्स है वो भी डिग्रेड ना हो। तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है कम्युनिटी हेल्ड कॉमन्स का, और कम्युनिटी हेल्ड जो कॉमन्स होते हैं उन्हें बेचा नहीं जा सकता, उन्हें खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं कहीं कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उनको पेव नहीं किया जा सकता। पेव मतलब उनके ऊपर रोड नहीं बनाया जा सकता, फुटपाथ नहीं बनाया जा सकता। जो कम्युनिटी हेल्ड कॉमन्स होते हैं उनको छत से ढका नहीं जा सकता। तो इस मॉडल में क्या होता है, एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाता है कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बीच और रिसोर्सेज के बीच। हम कम्युनिटी के इंटरेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं और रिसोर्सेज को कंजर्व भी कर सकते हैं। तो एक बात जो आखिर में राइटर के द्वारा बोली जाती है वो ये है, ये हमें तय करना है क्या हम उस मुर्गी को मारना चाहते हैं जो हमें सोने के अंडे देती है। नहीं, हम उस मुर्गी को नहीं मारना चाहते, तो इस वजह से हमें हमारी अर्थ को कंजर्व करने की आवश्यकता है, हमें नेचर को कंजर्व करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, इकोनॉमी में बदलाव के कारण हमारे देश में लैंड यूज पैटर्न में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। इस स्टेटमेंट पे आपको क्रिटिकली कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।